आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू लॉ में हम 60 मार्क्स को कैसे करें सिक्योर क्योंकि तो रहता है सवाल सारे स्टूडेंट्स के मन में कि मैम हम सिलेबस तो पढ़ लेते हैं बट कैसे हम सेल्फ प्रैक्टिस करें कैसे हम स्टडीज़ करें कैसे हम प्रॉपर प्लानिंग करके अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएँ डोंट वरी एट ऑल स्टे ट्यू एंड डू वॉच दिस वीडियो आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरी टू क्लियर योर सब्जेक्ट ऑफ लॉ सो so फ्रेंड्स आपको ये तो पता होगा ही कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है वी हैव कॉर्पोरेट लॉज वी हैव अदर लॉज नाउ द वेटेज ऑफ कॉर्पोरेट लॉ फॉर अस इज 70 मार्क्स एंड द वेटेज फॉर अदर लॉ इज 30 मार्क्स स्कीम नया आ चुका है और उस न्यू स्कीम के हिसाब से हमें करनी होगी प्रिपरेशन अदर लॉ थर्टी मार्क्स का है थ्री चैप्टर्स है कंपनी लॉ सेवेंटी मार्क्स का है एंड ट्वेल्व चैप्टर्स टू स्टडी So, इतना तो आप समझ चुके होंगे कि कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे हमें पढ़ना भी कम है और वेटेज भी ज्यादा है सो फर्स्ट ऑफ ऑल योर अदर लॉ शुड बी थोरली प्रिपेर पहले सबसे ज्यादा हमें अदर लॉ पे फोकस करना है तीनों चैप्टर को थोरली पढ़ना है मॉड्यूल से भी फिर उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने रहेंगे उसके बाद हम कंपनी लॉ पे जाएंगे एंड कॉर्पोरेट लॉज में देखें तो एल भी एक न्यूली एडेड चैप्टर है विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अस क्योंकि ये पूरे कॉर्पोरेट लॉ में सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला चैप्टर है अगर मैं इन चार चैप्टर को कंबाइन कर लू ना तो आपका पासिंग परसेंटेज पूरा हो जाता है फोर्टी परसेंट जितना वेटेज आपका अदर लॉ और एल सिर्फ चार चैप्टर्स कवर करते हैं बाकी के जो इलेवन चैप्टर्स हैं इन द कंपनी लॉ दैट कैरीज द वेटेज ऑफ फिफ्टी एट मार्क्स अप्रॉक्सिमेटली वो 58 मार्क्स के लिए सीक्वेंस क्या रहनी चाहिए सबसे पहले आपको ये पांच ग्रुप ऑफ चैप्टर्स करने हैं सेवन एट नाइन टेन इलेवन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज फिर आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया यू हैव चार्जेस वाला चैप्टर उसके बाद आप आएंगे चैप्टर टू थ्री फोर्थ इन कार्पोरेशन प्रोस्पेक्ट अलॉटमेंट शेयर कैपिटल एंड बेंच ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रायोरिटी और सीक्वेंस समझाई है अब कैसे हमें पढ़ना है तो बच्चों सबसे पहले होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप मॉड्यूल हमेशा रेफर कीजिए क्योंकि मॉड्यूल में बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मेंशन की हुई है जो हमें डेफिनेटली कवर करनी चाहिए पढ़नी चाहिए बिकॉज मॉड्यूल इज भगवत गीता फॉर ईच एंड एवरी सी ए स्टूडेंट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बाद आती है बात आपकी प्रैक्टिस की नाउ हाउ टू डू द प्रैक्टिस अगर हम बोले कि हमें प्रैक्टिस करना है तो क्या क्या चीजें प्रैक्टिस होनी चाहिए आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन इसके अलावा आपके पास पेपर्स के क्वेश्चन जो होते हैं इसके अलावा आपके पास आर टी के क्वेश्चन इसके अलावा आपके पास एम टी पीस की क्वेश्चन ये सबके सब कवर होने चाहिए वेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट प्रैक्टिस मतलब सब कुछ आप सॉल्व करो सब कुछ आप देखो अच्छे से कैसे सवाल फ्रेम हो रहा है कैसे उसका आंसर दिया जा रहा है इतने सारे क्वेश्चन हमें करने हैं इसके लिए एक अच्छी बुक भी है हमारे पास परफेक्ट प्रैक्टिस बुक विच कवर्स ऑल द अंडर वन रूफ जहाँ पे ये सारी चीजें एक ही प्लेस पे अवेलेबल है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ अ परफेक्ट प्रैक्टिस बुक सारे क्वेश्चन जो आज तक बने हैं उस टॉपिक पे वो सारे इंक्लूडेड है नाउ लास्ट स्टेप इज रिविजन बेसिकली आई नो रिविजन के लिए आप फिर से मॉड्यूल तो नहीं पढ़ पाएंगे वैसे भी डर लगता है मॉड्यूल से हमको रिविजन शुड बी समराइज कैसे हम समराइज फॉर्म में रिविजन कर पाए जब से सब कुछ रिवाइज हो जाए इस तरह के नोट आपके पास अवेलेबल होने चाहिए एंड ये नोट्स आपके पास हैंडी हो मतलब जब आपको देखना हो तब आप देख पाओ उस तरह से उस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल होने चाहिए कि आप उनको इजिली देख कर पूरा का पूरा चैप्टर रिकॉल कर पाओ बिकॉज वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन वी कॉन्ट सिट एंड स्टडी इंटायर मॉड्यूल ऑफ यूर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ रीजन so हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे पास नोट्स हो ये नोट्स हमें हेल्प करेंगे टू रिवाइज एवरी थिंग बिफोर द एग्जामिनेशन सो कंसेप्टअल क्लैरिटी प्रैक्टिस एंड एंड के लिए बी वी ऑल्सो ऑफर यूर यू परफेक्ट रिविजन बुक परफेक्ट रिविजन क्या है कि ऐसी बुक है So, बहुत समराइज फॉर्म में आपको सारे के सारे चैप्टर्स की हर एक चीज प्रोवाइड करेगी विदाउट मिसिंग एनी सिंगल थिंग फ्रॉम योर मॉड्यूल बट इन ए वेरी समराइज्ड एंड क्रिस्प मैनर सो परफेक्ट प्रैक्टिस और परफेक्ट रिवीजन हो तो फिर क्या टेंशन हो अगर ये दो चीज आपके पास अवेलेबल हो तो फिर यू कैन इजिली डू एंड स्कोर सिक्सटी मार्क्स इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ दैट इज अ वेरी नॉमिनल टारगेट इतना तो आप इजिली अचीव कर सकते हो फ्रॉम द कॉम ऑफ दीज बुक्स जिसकी डिटेल्स आपको कैप्शन में मिल जाएगी इसके अलावा जब आप सब्जेक्ट ऑफ लॉ पढ़ते हैं ना फ्रेंड्स ऑलवेज फोकस ऑन की वर्ड्स की वर्ड्स होते हैं जरूरी मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मीटिंग को पोस्टपोन कर दो मुझे ऐसा बोलना पड़ेगा मीटिंग को एडजर्न कर दो ठीक है सो दैट इज द रीजन वर्डिंग एंड लैंग्वेज इज वेरी इम्पोर्टेंट कभी कभी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है बट हम लिखना चाहते हैं अपने ही शब्दों में सो की वर्ड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग इन द सब्जेक्ट ऑफ लॉ ये लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकल है कॉन्सेप्चुअल में आपको दिक्कत नहीं आएगी so make sure you are focusing the language you are writing it in a proper manner written practice is important sirf hum dekh ke chale jaye padh ke chale jaye it's not enough written practice bhi zaruri hai teen char test aapko definitely dene chahiye teen char test matlab hourly test पूरे 100 mark वाले test और आपको chapter wise भी test appear करने चाहिए. so that you get confidence on your subject all the best